अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज हम यूनिट क्लास टेंथ का यूनिट नंबर करने जा रहे हैं 12। यूनिट नंबर 12, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। जी, आज हम करने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। स्टूडेंट्स, क्योंकि जानते हैं आप, टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टेक्स्ट, एक उसकी ट्रांसलेशन और दूसरी ग्रामर। क्योंकि ट्रांसलेशन विदाउट टेंसेस, टेंसेस के अंडरस्टैंडिंग के अलावा जो है वो अच्छे से समझ नहीं आती। अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आती, वो अच्छे से समझ नहीं आ सकती। और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी जब तक आपके क्लियर नहीं होते, यू कॉन्ट अंडरस्टैंड। और रोट लर्निंग को करना है हम लोगों ने निगेट, उसको करना है हम लोगों ने ख़त्म, क्योंकि हम करने जा रहे हैं लॉजिक के साथ। और हम करने जा रहे हैं इन अ वेरी लाइवली मैनर में। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे, जिसमें हम टेंसेस का यूज़ भी देखेंगे कि कौन कौन से टेंसेस इस्तेमाल हुए, सो डैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, कैंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 12, यूनिट 12, पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा। पॉपुलेशन आबादी, ग्रोथ इजाफा, आबादी में इजाफा। एंड वर्ल्ड और आलमी, दुनिया, फूड खुराक सप्लाईज, रसद भी बोलते हैं, फ्राहमी भी बोलते हैं, और आलमी खुराक की फ्राहमी, हमने दो चीज़ें देखनी हैं इस यूनिट में। स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज में लिंक है, कनेक्शन है, कि जैसे ही दुनिया की आबादी बढ़ती है तो क्या खुराक जो है वो दुनिया को पूरी आ रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा हो गया होगा तो क्या जो खुराक, जो खाना, जो अनाज या जो खाना हम लोगों को देते हैं, वो भी उतना ही बढ़ रहा है जितनी आबादी में इजाफा हो रहा है। ये चीज़ आज हम लोगों ने पढ़नी है, और इसको हमने बड़े लाइवली मैनर में पढ़ना है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आप कह रहे होंगे, मैम हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग कहती हैं, हर यूनिट को इंटरेस्टिंग कहती हैं, हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग कह देती हैं। तो मतलब ये स्टूडेंट्स के हर टॉपिक की अपनी वैल्यू होती है, हर टॉपिक सिग्निफिकेंट होता है, और शर्त ये है कि उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया जाए। तो हर टॉपिक बिकम्स अ फेवरेट टॉपिक, हर टॉपिक जो है वो फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो इसी चीज़ को मैंने हर यूनिट को, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आप लोगों का फेवरेट बना देना है, फेवरेट बना देना है। कैसे फेवरेट बनाना है? विद माई ओन टीचिंग स्टाइल, अपने टीचिंग स्टाइल से। जी, पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा। जैसे ही आबादी में इजाफा होता है, एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा हुआ तो खुराक की आलमी फ्राहमी जो है वो भी उतनी होगी, लोगों को खाना भी उतना ही मिलेगा, या खुराक भी उतनी पैदा होगी, गंदम भी उतनी पैदा होगी, राइस चावल भी उतने पैदा होंगे, जो आबी ज़खायर हैं, पानी के ज़खायर हैं, वो भी उतने सारे बढ़ेंगे, ज़ेर ज़मीन पानी भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी। नहीं तो क्या जो ईंधन निकलता है ज़ेर ज़मीन से, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये भी चीज़ें बढ़ रही हैं जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है। तो ये चीज़ हम लोगों ने आज कंपैरिजंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और वेरी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो जिसमें हम 140 पेज पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 140, पैराग्राफ 1, द वेरी फर्स्ट लाइन, द अलार्मिंग। अलार्मिंग बोलते हैं ख़तरनाक, अलार्मिंग यानी कि खतरे की घंटी जब बजती है उसको अलार्मिंग बोलते हैं। द अलार्मिंग, खतरनाक, एंड इनसेसेंट, इनसेसेंट बोलते हैं मुसलसल लगातार कंटिन्यूड, कोई चीज़ लगातार हो रही हो, मुसलसल हो रही हो, तो हम उसको बोलते हैं इनसेसेंट। द अलार्मिंग, खतरनाक एंड इनसेसेंट और लगातार ग्रोथ, इजाफा ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का। अब उसने दो बातें की हैं, पहले ही उसने जो है लोगों को अवेयर कर दिया है, द अलार्मिंग, खतरनाक एंड इनसेसेंट और मुसलसल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में ख़तरनाक और मुसलसल इजाफा। कहते हैं कि अब आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इनसेसेंट लगातार हो रहा है। आप देखते हैं रोज़ जो हैं वो बच्चे जो हैं वो दुनिया में आ रहे हैं, और इतनी सारी पॉपुलेशन रोज़ बढ़ती है, तकरीबन 2.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो रोज़ पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है आबादी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है।
उसके बाद अगर ज़्यादा हुआ तो फिर खुराक जो है, जो फूड जो है वो लोगों को पहले ही नहीं मिली तो उसको मज़ीद कम हो जाएगी। तो उसमें वो कह रहा था अलार्मिंग, ख़तरनाक एंड इंसेसेंट और लगातार ग्रोथ इजाफा ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में ख़तरनाक और मुसलसल इजाफा इज़ कॉजिंग वजह बन रहा है, इज़ कॉजिंग प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस RM के बाद स्टूडेंट जब फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है, ING वाली फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रेजेंट इन कंटिन्यूस टेंस है, इज़ कॉजिंग वजह बन रहा है, सीरियस शदीद। अब वो बड़े ख़तरनाक से वर्ड यूज़ कर रहा है, अलार्मिंग, ख़तरनाक, सीरियस शदीद, इकनॉमिक मुआशी प्रॉब्लम्स मिसाइल का शदीद मुआशी मिसाइल का सामना की वजह बन रहा है। इन आलमोस्ट तकरीबन ऑल कॉन्टीनेंट्स, तमाम बड़े आज़मों में, दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं, 7 कॉन्टीनेंट्स हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा द नेम ऑफ ऑल द कॉन्टीनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने कॉन्टीनेंट्स हैं 7 कॉन्टीनेंट्स हैं, 7 कॉन्टीनेंट्स के नेम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो अब वो क्या कह रहा है, द अलार्मिंग, खतरनाक एंड इंसेसेंट और लगातार ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में ख़तरनाक और मुसलसल इजाफा इज़ कॉजिंग वजह बन रहा है, सीरियस शदीद इकनॉमिक प्रॉब्लम्स मुआशी मिसाइल का, इन ऑल कॉन्टीनेंट्स, सारे बड़े आज़मों में। वो कहता है कि आबादी में ख़तरनाक और मुसलसल इजाफा सारे बड़े आज़मों में शदीद मुआशी मिसाइल पैदा कर रहा है, या शदीद मुआशी मिसाइल की वजह बन रहा है। अब कैसे मुआशी मिसाइल की वजह कैसे बनता है, अब हम और कहते हैं ये एक दुनिया के एक हिस्से में नहीं है, बल्कि जैसे ही तरक्की पज़ीर है या तरक्की याफ्ता ममालिक है, इन सब में ये चीज़ हो रही है कि लोगों को मुआशी मिसाइल, पैसे के मिसाइल, लोगों के पास इतने पैसे नहीं आ रहे जितनी उनकी आबादी बढ़ रही है, और जब पैसे भी ज़्यादा नहीं होगी, ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी और आबादी में ज़्यादा इजाफा होता जाएगा, तो लोगों के पास अब जो जब उनके पास मुलाजमत नहीं होगी, जब उनके पास रुपया पैसा नहीं होगी, तो हाउ कैन दे बाय, वो कैसे बाय कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहली लाइन में हमें ये बताने की कोशिश की है कि ये आलमी मसला है, इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, सारे बड़े आज़मों में आबादी में लगातार और ख़तरनाक इजाफा शदीद मुआशी मसाइल की वजह बन रहा है। ग्रेट प्रेशर, ज़्यादा दबाव इज़ बीइंग प्लेस्ड, जब स्टूडेंट RM के पास बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाए, जब RM के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाए तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिवाइज। अब वो कैसे, ग्रेट प्रेशर, ज़्यादा दबाव इज़ बीइंग प्लेस्ड आ रहा है, इज़ बीइंग प्लेस्ड बढ़ रहा है ऑन एरेबल लैंड ARABLE एरेबल लैंड, काबिले काश्त ज़मीन पर, ज़्यादा दबाव काबिले काश्त ज़मीन पर पड़ रहा है। कैसे, अब जो ज़मीन हम काश्त करते हैं, जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं, जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो उस पे दबाव बढ़ रहा है। कैसे दबाव बढ़ रहा है, अब ज़मीन उतनी है, लैंड उतनी है, एरेबल लैंड उतनी है जितनी हमने काश्त करनी है, वो पहले सदियों से उतनी थी, अब वो कम होती जा रही है क्योंकि घर बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बनती हैं, प्लाजाज बनते हैं, डिफरेंट टाउन्स बनते हैं, तो वो क्या हो रहा है, फसलों की जगह कम होती जा रही है और आबादी में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है, फसलों की जगह कम होती जा रही है, तो फिर प्रेशर, दबाव किस पे पड़ रहा है, एरेबल लैंड पे, जितनी काश्त काबिले काश्त ज़मीन है, क्योंकि सहरा में काश्त नहीं हो सकती, बंजर एरियाज़ में काश्त नहीं हो सकती, तो सारे का सारा दबाव आबादी का, यानी कि आबादी ने खाना कहाँ से हासिल करना है, लैंड से, कौन सी लैंड से, एरेबल लैंड से, जो काश्त की जा रही, तो सारा दबाव, ग्रेट प्रेशर इज़ बीइंग प्लेस्ड ऑन एरेबल लैंड, ज़्यादा दबाव काबिले काश्त ज़मीन पे पड़ रहा है, वाटर पानी पे पड़ रहा है, जो पानी हम पीते हैं, क्योंकि पानी के ज़खायर उतने ही हैं, ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो भी कम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो पानी पे पड़ रहा है, एक तो काबिले काश्त ज़मीन पे पड़ रहा है, दूसरा पानी पे पड़ रहा है, एनर्जी तवानाई पे पड़ रहा है, तवानाई पे कैसे पड़ रहा है, अब ये जहाँ ज़मीन से हम गैस निकलती है, पेट्रोल डीजल निकलता है, कोयला निकलता है, तो ये तवानाई के ज़राए हैं, अब वो तवानाई के ज़राए उतने ही हैं, बल्कि उससे कम होते जाते हैं आबादी बढ़ने से, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं,
तो ज़्यादा दबाव किस पे बढ़ा है? एरेबल लैंड, काबले का ज़मीन पे, वाटर पानी पे, एनर्जी तवानाई पे एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और हयातियाती वसाइल पे। अब ये हयातियाती वसाइल कौन से होते हैं मैं बताती हूँ। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, हयातियाती वसाइल, जितने भी जो है हमारे जंगल में या हमारे जो हैं एनिमल्स जिनको हम ज़िबा करते हैं खाने के लिए, इसके अलावा सी फूड्स, समंदर में जितनी फिश होती हैं और जो समंदर से हम लोग खाना हासिल करते हैं। तो अब सारा प्रेशर किन किन चीज़ों पे पड़ रहा है? ग्रेट प्रेशर इज़ बीइंग प्लेस्ड, ज़्यादा दबाव पड़ रहा है ऑन एरेबल लैंड, काबले काश ज़मीन पे, वाटर पानी पे, एनर्जी तवानाई पे एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और हयातियाती वसाइल पे। ज़्यादा दबाव काबले काश ज़मीन, पानी, तवानाई और बायोलॉजिकल वसाइल पे पड़ रहा है। यानी कि अब ये उतने ही हैं लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा खाने को मांग रहे हैं, तो दबाव सारे का सारा किस पे है? इन्हीं वसाइल पे। जैसे जैसे द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे ही दुनिया की आबादी बढ़ती है, एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे ही दुनिया की आबादी बढ़ती है, द फूड प्रॉब्लम, खुराक का मसला, विल बिकम, हो जाएगा इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली बड़ा ज़्यादा, इंक्रीज होता है बढ़ना और इंक्रीजिंगली बड़ी बहुत ज़्यादा, मिसल से शदीद तर एंड सवियर, शदीद तर होता जाएगा। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ेगी, खुराक का मसला शदीद तर होता चला जाएगा। कैसे? दुनिया की आबादी बढ़ेगी, काबले काश ज़मीन वही है, पानी वही है, तवानाई के ज़राए वही हैं, बायोलॉजिकल जो हयातियाती रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी उतने ही हैं, तो फिर खुराक का मसला बढ़ता चला जाएगा, शदीद तर होता चला जाएगा। क्योंकि पहले 10 अफराद हैं खाने वाले, फिर 20 हो जाएंगे, लेकिन खाने की चीज़ें उतनी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? खुराक का मसला, द फूड प्रॉब्लम, विल बिकम, हो जाएगा इंक्रीजिंगली सीवियर, मुसलसल शदीद तर, बहुत संजीदा मसला है। द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा गैर महफूज, वल्नरेबल बोलते हैं जिसको आसानी से नुकसान पहुंच सके, वल्नरेबल बोलते हैं जिसको आसानी से नुकसान, द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा गैर महफूज कौन लोग होंगे? विल बी पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा गैर महफूज आबादी इन डिवेलपिंग कंट्रीज, सबसे ज़्यादा गैर महफूज तरक्की पज़ीर ममालिक में आबादी होगी। अब तरक्की पज़ीर ममालिक कौन से होते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से होते हैं? स्टूडेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिन्होंने तरक्की की नहीं होती, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, और जिनके पास जो है आबादी भी ज़्यादा होती है, वसाइल कम होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे एशिया के सारे कंट्रीज़ हैं। हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ एडवांस हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास जो है वो जदीद वसाइल हैं, जदीद ज़राए हैं और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे आबादी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कम है, लोग बैकवर्ड है, पसमानदा हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा गैर महफूज कौन होंगे? तरक्की पज़ीर ममालिक में आबादी होगी, क्योंकि हमारी आबादी और ज़्यादा बढ़ रही है, घर और बन रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, और इसके अलावा जो है डिफरेंट टाउन्स बन रहे हैं, काबले काश ज़मीन कम हो रही है, ज़ेर ज़मीन पानी कम हो रहा है, तवानाई के ज़रिए कम हो रहे हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, हयातियाती वसाइल कम हो रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा गैर महफूज, सबसे ज़्यादा खुराक की किल्लत का सामना, सबसे ज़्यादा खुराक की कमी का सामना तरक्की पज़ीर ममालिक में आबादी को होगा। द पर कैपिटा फीकस अनाज, अब फीकस, द पर कैपिटा फीकस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खुराक की फराहमी, एक शख्स को जितना खाना मिले। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, दस्तियाबी, फराहमी ऑफ फूड, फीकस अनाज की फराहमी, मतलब मुझे कितना खाना मिलता है, दूसरे बंदे को कितना खाना मिलता है, इसको कहते हैं फीकस, हर एक को जितना खाना, हर फीकस अनाज की फराहमी हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, कम होती जा रही है फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 साल से।
अब पहले जितना एक फ़र्द को खाना मिलता था या एक फ़र्द को जितने वसाइल हासिल थे पानी के, तवानाई के, रिसोर्स और खाने के, वो पिछले 25 साल से कम होते जा रहे हैं हर शख्स के लिए। फीकस अनाज की दोबारा पढ़ते हैं, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हैज़ बीन डिक्लाइनिंग फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 साल से फीकस अनाज की फराहमी कम होती जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जब हैज़ बीन और हैव बीन के साथ फॉर और सिंस का यूज़ हो जाए तो उसको बोलते हैं हम, और टाइम हो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टूडेंट हैज़ बीन और हैव बीन जो है और उसके बाद जो है वो सिंस और फॉर का यूज़, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जी स्टूडेंट्स दोबारा पढ़ते हैं, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, कम होती जा रही है फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। फीकस अनाज की फराहमी पिछले 25 साल से कम होती जा रही है। सर्टनली यकीनन विद अ क्वार्टर मिलियन पीपल यकीनन 2.5 लाख लोगों का इजाफा बीइंग एडेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, हर दिन इजाफा हो रहा है। सर्टनली क्वार्टर मिलियन पीपल 2.5 लाख लोग बीइंग एडेड, इजाफा हो रहा है टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी में ईच डे, हर दिन यकीनन 2.5 लाख लोगों का दुनिया की आबादी में इजाफा हो रहा है। हर रोज़ कितने लोग आ रहे हैं इस दुनिया में, 2.5 लाख लोग आ रहे हैं। द नीड फॉर ग्रेन्स, अनाज की ज़रूरत, एंड ऑल अदर फूड और दूसरी किस्म की खुराक, सिर्फ अनाज ही नहीं चाहिए, आटा अनाज जो है वो नहीं चाहिए, राइस नहीं चाहिए सिर्फ, हमें सारी दालें भी चाहिए, हमें फ्रूट्स भी चाहिए, हमें गोश्त के लिए एनिमल्स भी चाहिए, और हमें तवानाई उसको पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, गैस भी चाहिए, उसको शेल्टर करने के लिए हमें होम्स भी चाहिए, उनको देने के लिए हमें सी फूड्स, फिश भी चाहिए। हर दिन यकीनन विद द क्वार्टर मिलियन पीपल एट बीइंग एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, यकीनन दुनिया की आबादी में 2.5 लाख लोगों का रोज़ इजाफा। द नीड फॉर ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स, अनाज की और दूसरी किस्म की खुराक की विल रीच, वो पहुंच जाएगी अनप्रेसिडेंटेड लेवल, बेमिसाल हद तक। अब इसकी ज़रूरत बेमिसाल हद तक, अनप्रेसिडेंटेड होता है बेमिसाल हद तक पहुंच जाएगी, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन अनाज कम होता जाएगा। अभी भी अनाज कम होता हो गया है लेकिन और कम होता जाएगा, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्राइम्स बढ़ेंगे, जराइम बढ़ेंगे। तो पहली वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट राइटर ने ये प्रूव किया है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दुनिया की आबादी में 2.5 लाख लोगों का रोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन इसी तरह वसाइल नहीं बढ़ रहे, काबले का ज़मीन कम होती जा रही है, लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज, प्लाजा, टाउन, तो काश्त की ज़मीन कम होती जा रही है, पानी के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, तवानाई के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, हमारे बायोलॉजिकल हयातियाती वसाइल कम होते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया की आबादी में हर रोज़ 2.5 लाख लोगों का इजाफा होता है, जिसका नतीजा क्या होगा, खुराक अनाज और दूसरी खुराक की जो किस्में हैं उनमें बेमिसाल हद तक इजाफा हो जाएगा, उनकी ज़रूरत में इजाफा हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं, अलार्मिंग ख़तरनाक, इंसेसेंट मुसलसल लगातार ग्रोथ इजाफा, ग्रेट प्रेशर बहुत ज़्यादा दबाव, एरेबल लैंड काबले काश्त ज़मीन, बायोलॉजिकल हयातियाती रिसोर्सेज वसाइल वल्नरेबल जिसको जल्दी नुकसान पहुँच सके, गैर महफूज, डेवलपिंग तरक्की पज़ीर, क्वार्टर मिलियन 2.5 लाख, अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल हद तक इजाफा हो जाएगा। बिलो नीचे वर्ल्ड पॉपुलेशन दुनिया की आबादी है एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स क्या होते हैं और उसमें इजाफे के रुझान आर गिवन, नीचे द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स
कि कैसे कैसे दुनिया की आबादी बढ़ी है, किस साल में कितनी आबादी थी, वो नीचे सारा चार्ट दिया गया। तो अब हम चार्ट पढ़ते हैं और इस टेबल के ज़रिए हम देखते हैं कि दुनिया की आबादी में कैसे कैसे इजाफा हुआ है। और आपने देखना है दुनिया की आबादी बढ़ रही है लेकिन ज़मीन उतनी है, अर्थ उतनी ही है, उसके वसाइल उतने ही हैं, तवानाई के वसाइल, वाटर के वसाइल, ज़मीन काबले का ज़मीन उतनी है बल्कि कम होती जा रही है क्योंकि बिल्डिंग्स आ रही हैं। तो हम देखते हैं पहले कितने लोग थे और उतनी ज़मीन थी। अच्छा जी, 1 lakh years ago, 1 lakh साल पहले 10 million people, कितने लोग थे, 10 million, यानी 1 crore, 10 million का बनता है स्टूडेंट्स 1 crore अफराद थे। अगर हम 1 lakh साल पहले जाते हैं तो 10 million 1 crore लोग थे। फिर बाय 1850, जैसे ही 1850 का ईयर आया, पॉपुलेशन वाज 1 billion, 1 billion हो गई। 1850 में 1 billion यानी 10 crore होगी, 10 crore होगी आबादी में इजाफा, काबले का ज़मीन उतनी, पानी उतना, रिसोर्सेज भी उतनी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यातायाती वसाइल भी उतने हैं। अब 80 more years टू रीच, 80 साल बाद, 80 साल और गुजरे तो आबादी 2 billion हो गई इन 1930। 2 billion, 2 billion का, 2 billion का मतलब क्या होता है, 20 crore हो गई, डबल इजाफा। पहले 10 crore हुई फिर 20 crore, 45 years, 45 साल पहले बाद इट डबल्ड अगेन। 1975 में कितनी होगी, 1975 में 4 billion यानी 40 crore हो गई, आबादी में इजाफा डबल डबल हो रहा है। 12 years टू रीच, और 12 साल बाद सिर्फ 5 billion यानी 50 crore आबादी होगी 1987 में। फिर 6 billion यानी 60 crore आबादी हो गई 1999 में बाय द ईयर। और जैसे ही हम 2020 में जाते हैं, देर विल बी 8 million, 8 billion हो गई यानी 80 crore आबादी, 80 crore आबादी। स्टूडेंट जायज़ा ले, बड़े ब्यूटीफुली जो राइटर ने डिस्क्राइब करा है, बड़े प्यारे अंदाज में वो बता रहा है और कंपैरिजन कर रहा है कि पहले सिर्फ 10 million थी, 1 crore, 1 crore से हम लोगों ने सफ़र किया है 80 crore का, 1 crore से 80 crore का सफ़र तय किया है, लेकिन वसाइल भी उतने ही हैं। वसाइल उतने ही होने के साथ आबादी में इजाफा होगा तो जारी बात है खुराक लोगों को नहीं मिलेगी, खुराक की फराहमी नहीं होगी, पानी नहीं उतना मिलेगा, तवानाई के ज़खायर भी कम होते। अब उतनी देर से लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ेगी तो नहीं, कम होती जाएगी। पैराग्राफ नंबर 2, देर आर अबाउट क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, 2.5 लाख लोग, देर आर अबाउट क्वार्टर ऑफ अ मिलियन पीपल, 2.5 लाख लोगों का इजाफा एडिड टू द प्लानट पर डे, एडिड टू द प्लानट सियारे में इजाफा हो रहा है, प्लानट ज़मीन पे, पर डे हर दिन, हर दिन सियारे, इस सियारे पर, इस ज़मीन पर 2.5 लाख लोगों का इजाफा होता है। वो फिर कह रहा है इस ज़मीन पर हर दिन 2.5 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तेज से तेज डबल ट्रिपल तरक्की होती जा रही है, एक्सपोनेंशियल होता है बहुत ज़्यादा, रुकने वाली नहीं, तेज से तेज तर ग्रोथ आबादी इजाफा इज़ मोस्टली हैपनिंग, वो ज़्यादातर हो रहा है इन द डेवलपिंग नेशंस, तरक्की पज़ीर कौमों में, तरक्की पज़ीर ममालिक में। अब द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तेज से तेज इजाफा इन पॉपुलेशन हो रहा है, इन इज़ हैपनिंग इन द डिवेलपिंग नेशंस। अब इजाफा भी किन किन ममालिक में हो रहा है, जो अभी तरक्की भी नहीं की, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जो बैकवर्ड है, जिनको ज़्यादा वसाइल भी नहीं है, तो उनमें ज़्यादा इजाफा भी उन्हीं में होता चला जा रहा है एक्सपोनेंशियल। जी स्टूडेंट, मोर देन 99%, 99% से ज़्यादा ऑफ वर्ल्ड फूड सप्लाई, दुनिया की खुराक की फराहमी, 99% से ज़्यादा दुनिया की खुराक की फराहमी कम्स आती है फ्रॉम लैंड, ज़मीन से। दुनिया की 99% से ज़्यादा खुराक की फराहमी या खुराक हमें कहाँ से आती है, ज़मीन से। हम फसलें उगाते हैं, हम अनाज उगाते हैं, हम फल जो है वो भी ज़मीन से आते हैं, तो 99% से ज़्यादा दुनिया की खुराक कहाँ से आती है, ज़मीन से।
ज़मीन क्या है, कम होती जा रही है। आबादी क्या है, बढ़ती जा रही है। खुराक जो है वो कम होती जा रही है। वाइल लेस देन 1%, 1% से भी कम, 1% से भी कम इज़ कम्स फ्रॉम ओशन, 1% से भी कम समंदरों से आती है, यानी फिश वगैरह एंड अदर एक्वेटिक हैबिटेट, और दूसरे आबी ज़राए से, एक्वेटिक बोलते हैं आबी, हैबिटेट बोलते हैं ज़राए से, दूसरे आबी ज़राए से यानी 99% से भी ज़्यादा खुराक, दुनिया की खुराक ज़मीन से आती है, जिसमें हम फसलें उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, फल आते हैं, सब्जियाँ, हर तरह की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ज़मीन से। ज़मीन क्या है, कम होती जा रही है। और 1% से भी ज़्यादा कम समंदरों और दूसरे आबी ज़खायर से आ रही है, दरियाओं, झीलों, नदियों से, फिश वगैरह। अब वो जो है वो गंदे हो रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से, आलूदा हो रहे हैं, वहाँ से आबी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, फिश कम हो रही हैं, इधर से ज़मीन जो है वो कम हो रही है, खुराक जो है वो कम हो रही है। लेकिन आबादी में इजाफा रोज़ कितना हो रहा है, कितना इजाफा हो रहा है स्टूडेंट, वेरी गुड, 2.5 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। द कंटिन्यूड मुसलसल लगातार प्रोडक्शन, मुसलसल पैदावार ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई, खुराक की मुनासिब फराहमी की इज़ डायरेक्टली बराह रास्त डिपेंडेंट इन्हसार है ऑन एम्पल, ज़्यादा एम्पल बोलते हैं ज़्यादा वाफर फर्टाइल लैंड, ज़रखेज़ ज़मीन पर। अब क्या दोबारा, द कंटिन्यूड प्रोडक्शन पैदावार ऑफ एन एडिक्यूट फूड सप्लाई, मुनासिब अंदाज में खुराक की फराहमी का इन्हसार वाफर मकदार में ज़रखेज़ ज़मीन पर है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, हमें खुराक चाहिए अब ज़्यादा, ज़्यादा खुराक की फराहमी का इन्हसार किस पे है, ज़मीन पे। ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़रखेज़ होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, एम्पल, बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में। लेकिन ज़मीन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाउसेज बन रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं, टाउन्स बन रहे हैं, तो ज़मीन क्या होती जा रही है, कम। लेकिन राइटर कह रहे हैं हमें क्या चाहिए, एम्पल फर्टाइल लैंड वाफर मकदार में, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए। क्योंकि हमारी कितनी फ़ीसद खुराक कहाँ आज ज़मीन से आती है, 99% से भी ज़्यादा, 99% से भी ज़्यादा खुराक। और कितनी खुराक जो है वो समंदरों और दूसरे आबी ज़खायर से आती है, 1%। सारा प्रेशर किस पे है, फर्टाइल लैंड पे, ज़रखेज़ ज़मीन पे। चाहिए कितनी, एम्पल, ज़्यादा। हमारे पास कितनी हो रही है, कम हो रही है। आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ पे बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से होते हैं, जिन्होंने अभी तरक्की नहीं की, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी चाहिए एंड एनर्जी और तवानाई। अब मुसलसल खुराक की फराहमी के लिए, अगर हम चाहते हैं ना आबादी को खुराक मिलती रहे, तो मुनासिब खुराक की फराहमी के लिए का इन्हिसार ज़रखेज़ ज़मीन, वाफर ज़रखेज़ ज़मीन, ताज़ा पानी और तवानाई के ज़राए पर है। लेकिन ये तीनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, एज़ जैसा कि द ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी ग्रोज बढ़ती है, जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है, द रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात फॉर दीज रिसोर्स आल्सो ग्रो, तो इन वसाइल की ज़रूरियात भी बढ़ती हैं, जारी बात है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो इन वसाइल की ज़रूरियात भी बढ़ेंगी, हमें तवानाई ज़्यादा चाहिए होगी। आबादी डबल हुई तो तवानाई भी ज़्यादा चाहिए, पानी के ज़खायर भी ज़्यादा चाहिए, और इसके अलावा जो है फर्टाइल एंड ज़रखेज़ ज़मीन भी हमें डबल चाहिए। लेकिन ज़मीन डबल हो रही है, ताज़ा पानी डबल हो रहा है, एनर्जी के ज़खायर डबल हो रहे हैं, नहीं वो तो पहले से भी बहुत कम हो रहे हैं। कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, बड़ा ही बहुत ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। इवन इफ़ हत्ता के अगर दीज रिसोर्सेज आर नेवर डिप्लेटेड, अगर ये रिसोर्सेज डिप्लेट होना ख़त्म हो जाने को कहते हैं, अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म ना भी हों, कभी ख़त्म ना भी हों, ऑन अ पर कैपिटा बेसिस फीकस, यानी हर एक को ऑन पर कैपिटा बेसिस फीकस, दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, वो कम होते जाएंगे सिग्निफिकेंटली, बड़ी बेहद तक। पहले जितना लो एक बंदे को खाना मिलता था,
एक बंदे को ताज़ा पानी मिलता था वो कम होता जाएगा। कहते मैं मानता हूँ कि कभी शायद ख़त्म ना हो ये शिकायत, लेकिन हर एक को उसका हिस्सा कम होता चला जाएगा। पहले 10 मिलता था, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक बंदे को जो है वो कितना मिलता होगा, 10 तरह का खाना मिलता होगा, अब एक तरह का मिलता है। आया ना फ़र्क, बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड, क्योंकि उनको तकसीम करना है अमंग मोर पीपल, अब उन्हें ज़्यादा लोगों में तकसीम करना है। काम क्यों होते जाएंगे, क्योंकि अब आबादी ज़्यादा है, हमें ज़्यादा लोगों में तकसीम करना पड़ेगा। और जब वही खुराक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 एप्पल हैं, पहले आप लोगों के पास 5 लोग थे, आप लोग 2-2 एप्पल खाते थे, फिर 10 लोग हो गए, आप 1-1 एप्पल खाना शुरू हो गए, फिर आपके पास 20 लोग हो गए, आप हाफ हाफ एप्पल खाना शुरू हो गए, फिर आपके पास 30 एप्पल हो गए, आप हाफ से भी कम खाना शुरू हो गए। तो फिर इस तरह देखें, जैसे आबादी बढ़ी है, एप्पल तो आपके पास टैन ही रहे ना, बल्कि उससे भी कम होते जाएंगे, क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे खाने भी हैं। इसी एग्ज़ाम्पल को जहन में रखें कि फिर फीकस हर शख्स को कम होता चला जाएगा। एट प्रेजेंट मौजूदा फर्टाइल ज़रफेज़ एग्रीकल्चरल ज़री, जहाँ पे एग्रीकल्चर कौन सी होती है, जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं, फर्टाइल एग्रीकल्चरल ज़रफेज़ ज़री ज़मीन लैंड ज़मीन इज़ बीइंग लॉस्ट, ज़ाया हो रही है। आज के दौर में आज ज़रफेज़ ज़री ज़मीन जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं ज़ाया हो रही है एट अ अलार्मिंग रेट, ख़तरनाक हद तक। क्योंकि जब हम बार बार फसल उगाते चले जाते हैं तो ज़मीन की पैदावार कम होती जाती है, ज़मीन जो है उसकी पैदावारी सलाहियत कम होती जाएगी, ज़मीन की ज़रखेज़ी कम होती जाएगी, इसी वजह से तो हम खादें ऐड करते हैं। कितना मज़े का टॉपिक है, द शॉर्टेज कमी ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल एंड पैदावारी ज़रखेज़ ज़मीन की कमी, जो ज़रखेज़ ज़मीन है उसकी कमी अब क्या है, कम्बाइंड विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी। पहले तो ज़रखेज़ ज़मीन कम होती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं, उसके साथ विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिव पैदावारी सलाहियत भी कम हो रही है, ज़मीन में अब उतनी कैपेसिटी नहीं है। अब पहले एक साल में एक फसल बोते थे, अब एक साल में कितनी फसलें बो रहे हैं, ज़मीन तो वही है, उसकी ज़रखेज़ी में भी कमी आ रही है। अच्छा जी, अब क्या कहता है, दैट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड पैदावारी ज़मीन की कमी के साथ पैदावारी सलाहियत भी कम हो रही है। ज़रखेज़ ज़मीन तो कम हो ही रही है, फैक्ट्रीज तो बनी रही हैं, उसके साथ जो ज़मीन मौजूद है उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो रही है, उसमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फसलें उगाए। इज़ द मेजर कॉज ऑफ करंट फूड शॉर्टेज, करंट मौजूदा फूड शॉर्ट वो मौजूदा ज़माने में जितनी खुराक की किल्लत है उसका सामना, ज़रखेज़ ज़मीन कम होती गई, फिर जो ज़मीन मौजूद है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा फसलें उगा सके। अब एक साल में कितनी कितनी फसलें उगाते हैं, पहले एक साल में एक फसल उगाई जाती थी तो ज़रखेज़ी कायम रहती थी ज़मीन की, तो इस वजह से खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। और ये किस कंट्रीज़ में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक। हर दिन कितना इजाफ़ा हो रहा है, 2.5 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है, ज़मीन जो है वही है, पानी जो है वही है, एनर्जी तवानाई के वसाइल जो हैं वो वही हैं। अब पैराग्राफ नंबर 4, वाटर पानी इज़ अनदर क्रिटिकल, एक और अहम है आइटम्स फ्रॉम ऑल क्रॉप फॉर ऑल क्रॉप्स, तमाम फसलों के लिए पानी एक अहम ज़रूरत है, पानी के बगैर कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती, जारी बात है, पानी होगा तो फसलें उगेंगी। मैसिव, बहुत ज़्यादा, मैसिव बोलते हैं बहुत ज़्यादा, अब उसने जो जो वर्ड यूज़ किए हैं ना उसे यूज़ ऐसे किए हैं कि ख़तरनाक हादसे वाले कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मैसिव बहुत ज़्यादा अमाउंट मिकदार ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इज़ रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है ड्यूरिंग दौरान द ग्रोइंग सीज़न फॉर कल्टीवेशन, फसल बोने के मौसम के दौरान बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब फसलें उगाई जाती हैं तो इतना सारा पानी फसलों को लगता है, मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न फॉर कल्टीवेशन, फसल बोने के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट हकीकत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़रई पैदावार कंज्यूम्स, उसमें खर्च होता है, जो जब हम फसलें बोते हैं फसलें उगाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रई पैदावारी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मोर देन
एनी अदर ह्यूमन किसी भी दूसरी इंसानी सरगर्मी के मुकाबले में। मसलन घरों में, फैक्ट्रियों में जितना भी दूसरा पानी इस्तेमाल होता है वो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फसलें उगाते हैं उसमें एग्रीकल्चर में, ज़राअत में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, फसलों को बोने में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। इन मैनी कंट्रीज़, कई ममालिक में पीपल आर फेसिंग, लोगों को सामना करना पड़ रहा है शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। कई ममालिक में लोगों को साफ पानी, पीने का साफ पानी का सामना करना पड़ रहा है कि कमी का सामना करना, लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। कॉम्पिटिशन, मुकाबला फॉर वाटर रिसोर्सेज, पानी के वसाइल के लिए मुकाबला। अब मुकाबला किन के, दरिया भी वही हैं, झीलें भी वही हैं, नदियाँ भी वही हैं, आप भी ज़खायर ज़ेरे ज़मीन जो पानी के ज़खायर हैं वो भी वही हैं, लेकिन अब मुकाबला बढ़ता चला जा रहा है किन के दरमियान, अमंग इंडिविजुअल्स। अब मैं हूँ, पहले मैं थी, मैं पानी इस्तेमाल करती थी, मेरे साथ अब 10 बंदे और आ गए, अब हमारे दरमियान मुकाबला है, हर बंदा चाहता है मैं ज़्यादा यूज़ करूँ। अमंग इंडिविजुअल्स, इन अफराद के दरमियान, रीजन्स इलाकों के दरमियान, फिर कंट्रीज ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देख ले, सिंतास मुआहदा, वो कभी पानी पे बंद बांध देता है, कभी पानी छोड़ देता है, सैलाब आ जाते हैं। एंड एसोसिएटेड और मुंसलिक ह्यूमन एक्टिविटी, और इनसे मुंसलिक इंसानी सरगर्मियों में, और ऑलरेडी अकरिंग हो रही हैं विद द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी के साथ साथ। अब क्या है, पानी के वसाइल के लिए मुकाबला हो रहा है किन किन के दरमियान, अफराद के दरमियान, रीजन इलाकों के दरमियान, फिर ममालिक के दरमियान। अच्छा जी, वाटर रिसोर्सेज, पानी के ज़राए क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, आप भी आबपाशी के लिए ज़रूरी हैं, ज़राअत के लिए ज़रूरी हैं, और अंडर ग्रेट स्ट्रेस, ज़्यादा दबाव में है, एज पॉपुलस गुंजान आबाद सिटीज़, ऐसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी हो, स्टेट्स रियासतों में, कंट्रीज़ रिक्वायर, उनको ज़रूरत होती है, एंड विड्रॉ निकालते हैं मोर वाटर फ्रॉम रिवर्स, वो ज़्यादा पानी निकालते हैं दरियाओं से, लेक्स, नदियों से, एंड एक्वाफर्स एवरी ईयर, और एक्वाफर्स ज़ेर ज़मीन एवरी ईयर हर साल। अब लोग क्या करते हैं, हमें ज़राअत के लिए पानी चाहिए, आप पेशी के लिए पानी चाहिए, तो हर साल लोग झीलों से, दरियाओं से, एक्वाफर्स, ज़ेर ज़मीन पानी ज़्यादा निकालते हैं। पानी हम कितना इस्तेमाल करते हैं आप घरों में अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मेजर थ्रेट, बहुत बड़ा ख़तरा टू मेंटेनिंग फ्यूचर वाटर सप्लाईज, टू मेंटेनिंग फ्यूचर वाटर सप्लाईज, अब मुस्तकबिल में पानी की फ्राहमी को बरकरार रखने का, इज़ कंटिन्यूइंग ओवर यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज। अब किसकी वजह से है? ओवर यूज़, हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सरफेस, जो ज़मीन की सतह पे पानी है, दरियाओं का, झीलों का, नदियों का, और फिर अंडरग्राउंड जो ज़ेर ज़मीन पानी है, हम इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वजह से ये ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। और इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, ग्रोथ ट्रेंड्स, इजाफे के रुझानात, एक्सपोनेंशियल, तेज से तेज सारा इजाफा, एक्वेटिक हैबिटेट, आबी ज़राए, पानी के ज़राए, कंटिन्यूड प्रोडक्शन, मुसलसल पैदावार, एम्पल फर्टाइल लैंड, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन, डिप्लेटेड, कम होती जा रही है, डिक्लाइन, कम होती जा रही है, प्रोडक्टिव फर्टाइल, पैदावारी सलाहियत, करंट मौजूदा, क्रिटिकल अहम, मैसिव अमाउंट, बहुत ज़्यादा अकरिंग हो रही है, पॉपुलस गुंजान आबाद, जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, एक्वाफर, ज़ेर ज़मीन, आबी ज़खायर। जी स्टूडेंट्स, अभी तक राइटर ने ये प्रूव किया है कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो पहले उसने ज़मीन की ज़रखेज़ी का कहा, ज़मीन कम होती जा रही है, ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है, और फिर पानी का उसने दिखाया कि इतना मैसिव यूज़, इतना सारा यूज़ एग्रीकल्चर में, ज़राअत में हो रहा है, फिर कॉम्पिटिशन बढ़ता है, लोग ज़्यादा पानी निकालते हैं ज़ेर ज़मीन, और इस तरह। और अब वो तीसरी बात बताएगा तवानाई की, फॉसल एनर्जी, ऐसे एनर्जी ज़मीन के अंदर दबे हुए ईंधन, ज़मीन के अंदर जो वसाइल हैं हमारे, गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, अब वो उसका बताएगा। पहली बात ज़मीन का बताया, ख़त्म होती जा रही है, और जो प्रोडक्टिविटी है, जो ज़रखेज़ी है, कम होती जा रही है। दूसरी बात उसने बताया पानी इस्तेमाल कितना होता है एग्रीकल्चर में, ज़राअत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी इंसानी सरगर्मी के मुकाबले में। फिर उसने कहा कि हम पानी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, कहाँ से, दरियाओं से, झीलों से, ज़ेर ज़मीन, ज़रखेज़, इस तरह पानी के मिसाइल पैदा हो रहे। तीसरी बात वो करने जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स की,
फॉसल एनर्जी की ज़मीन के अंदर दबे हुए ज़खायर की। तो पैराग्राफ नंबर 5 पेज 141 देखिए कितना सिस्टमेटिकली वो चाह रहा है और कितने अच्छे अंदाज में वो हकायक सामने लेके आ रहा है कि दुनिया की आबादी में कितना इजाफा हो रहा है। वेरी गुड, 2.5 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। फॉसल एनर्जी ज़मीन के अंदर दबे हुए ईंधन इज़ अनदर प्राइम रिसोर्स, बुनियादी ज़रिया है यूज़ जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर फूड प्रोडक्शन, खुराक तैयार करने के लिए। अब जब हम खाना तैयार करते हैं, खुराक तैयार करते हैं या ज़रात में इस्तेमाल होता है, तो ज़मीन खुराक तैयार करने के लिए ज़मीन के अंदर दबा हुआ ईंधन एक और वसीला है, एक और ज़रिया है। कैसे? जो है ट्रैक्टर, जदीद टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर हो गया, और ये जो ट्यूबवेल किससे चलते हैं, या तो बिजली से चलते हैं या फिर डीजल से चलते हैं। डीजल कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। तो फिर खुराक तैयार करने के लिए ज़मीन के अंदर दबे हुए ईंधन एक और अहम ज़रिया है। अच्छा जी, अब नियरली तकरीबन 80% ऑफ वर्ल्ड फॉसल एनर्जी ज़मीन के अंदर दबी हुई जो एनर्जी है, तवानाई है, इज़ बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री। अब इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? ज़ेर ज़मीन जो हमारे ज़खायर हैं पेट्रोल के, डीजल के, एनर्जी के, गैस के, तरक्की याफ्ता मालिक। टेक्नोलॉजी किन के पास है? तरक्की याफ्ता मालिक के पास। और टेक्नोलॉजी किसके पास है? यूरोपियन कंट्रीज़ के पास। तो वो सबसे ज़्यादा ज़मीन के अंदर से जो एनर्जी हासिल होती है, फॉसल एनर्जी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़। निकल कहाँ से रही हैं? तरक्की पज़ीर ममालिक से। अच्छा जी, आर मैसिव द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, ज़्यादा मेहनत तलब खेती बाड़ी के तरीके, ज़्यादा मेहनत तलब खेत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स और बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फॉसल एनर्जी यूज़ हो रही है, तवानाई के ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ कहाँ पे? तरक्की पज़ीर ममालिक में यूज़ मैसिव अमाउंट बहुत ज़्यादा और फॉसल एनर्जी इन ज़मीन के अंदर दबे हुए ईंधन को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर फर्टिलाइज़र्स, खाद बनाने के लिए खादों में, पेस्टिसाइड्स कीड़े मारने वाली अद्वियात में, इरीगेशन आबपाशी में, फॉर मशीनों में, ट्रैक्टर्स वगैरह, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर, इंसानी मेहनत के बदल के तौर पे। अब इंसान जो है वो कम मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले में मशीनें आ गई हैं, फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, खादें आ गई हैं, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात आ गई हैं। तो सारी मशीनों में क्या इस्तेमाल हो रहा है? फॉसल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है इंसानों के बजाय मशीनों ने ली हुई है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, और वहाँ पे फॉसल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पज़ीर ममालिक में जिन्होंने अभी तरक्की नहीं की, फॉसल एनर्जी हैज़ बिन यूज़्ड ज़मीन के अंदर दबे हुए ईंधन इस्तेमाल होता रहा है फॉर फर्टिलाइज़र्स, खादों में, एंड इरीगेशन आबपाशी में, टू हेल्प, मदद करने के लिए, मेंटेन यील्ड, अब ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, रादर दैन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर इनपुट्स। लेकिन तरक्की याफ्ता मालिक में क्या फ़र्क क्या आया? तरक्की याफ्ता मालिक इंसान जो है वो लेबर, इंसानी लेबर कम हो गई है, इंसानी मेहनत कम की बजाय मशीनें आ गई हैं। लेकिन तरक्की पज़ीर ममालिक में क्या है? फसलें ज़्यादा उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फॉसल एनर्जी इस्तेमाल तो हो रही है ज़मीन के अंदर से, जो दबे हुए ज़खायर हैं वो इस्तेमाल तो हो रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, गैस इस्तेमाल हो रही है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है। डीज़ल किस में? ट्यूबवेल चलाने में। डीज़ल किस में इस्तेमाल होगा? ट्रैक्टर्स में, और सारा जो है वो हार्वेस्ट करते हैं जब हम लोग, तो सारा क्या फॉसल एनर्जी यूज़ हो रही है। तो आबादी बढ़ती जा रही है, फॉसल एनर्जी यूज़ होती जा रही है, लेकिन पैदा तो नहीं ना हो रही बल्कि कम होती जा रही है। तीसरा ज़रिया हम पढ़ रहे हैं जो कम होता जा रहा है, ज़रखेज़ ज़मीन, पानी और ज़मीन के अंदर दबे हुए ज़खायर, जिसको हम बोलते हैं फॉसल एनर्जी। बिकॉज पेज 142 बिकॉज फॉसल एनर्जी इज़ अ फाइनाइट सोर्स, ज़मीनी तवानाई एक महदूद ज़रिया है, महदूद है। फाइनाइट किसको बोलते हैं? जो ख़त्म होने वाले, महदूद है, ये तो नहीं रोज़ पैदा हो रहा है, नहीं, ख़त्म होने वाला। इट्स डिप्लीशन, इसमें कमी आ रही है, एक्सेलरेट्स बहुत ज़्यादा, एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एक्सेल। अच्छा जी, अब इट्स डिप्लीशन, अब ये कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इंसानी आबादी को क्या चाहिए? खाना,
ज़्यादा खाना उगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। दस कॉस्ट, इसलिए जो कीमत है ऑफ फ्यूल ईंधन की इंक्रीजिज एवरीवेयर, हर जगह बढ़ती है। इसलिए ईंधन की कीमत, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उसकी कीमतें बढ़ती हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ रही है, इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि आप पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ज़रा सोचें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेट्रोल, डीजल, फॉसल एनर्जी जिसको कहते हैं, गैस जिसको कहते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और किस वजह से इसकी कीमत बढ़ती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कम रह गया और उस कम को लोग ज़्यादा पैसों में फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। नंबर सिक्स पैराग्राफ, सर्टनली यकीनन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। अब वो सारा कुछ बयान करने के बाद ये मिसाइल हैं, अब वो कहते हैं सर्टनली यकीनन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ट्रैक्टर और दूसरी चीज़ें, विल असिस्ट, हेल्प करेगा, मदद करेगा इन मोर अफेक्टिव मैनेजमेंट, ज़्यादा मौसर इंतज़ाम में एंड यूज़ ऑफ रिसोर्स और वसाइल को इस्तेमाल करने में, बट इट कॉन्ट प्रोड्यूस, लेकिन ये पैदा नहीं कर सकता, जो है उनको अच्छे से इस्तेमाल तो कर सकती है टेक्नोलॉजी लेकिन इसको पैदा नहीं कर सकती। पानी पैदा कर सकती है? नहीं। ज़रखेज़ ज़मीन और पैदा कर सकती है? नहीं। अगर ज़मीन की ज़रखेज़ी कम होगी उसको बेहतर किया जा सकता, लेकिन ज़्यादा ज़मीन पैदा कर सकती है? नहीं। फॉसल एनर्जी पैदा कर सकती है टेक्नोलॉजी? नहीं पैदा कर सकती, बट इट कॉन्ट प्रोड्यूस, लेकिन ये नहीं पैदा कर सकती एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ दोज वाइटल नेचुरल रिसोर्स। अब उन अहम कुदरती वसाइल का लामहदूद दहारा पैदा नहीं कर सकती, यानी लामहदूद पैदा नहीं कर सकती, ये बेहतर इस्तेमाल तो हो सकता है इसका, कम इस्तेमाल तो नहीं हो सकता और इसको पैदा भी नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी। यही तो है, साइंस में जितनी मर्जी तरक्की कर रहे हैं लेकिन ये जो वसाइल हैं ये कम होते जा रहे हैं, और साइंस जो है वो इन वसाइल को इस्तेमाल तो अच्छे से कर सकती है लेकिन इनको पैदा नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स, खादें इन्हांस बढ़ाती हैं द फर्टिलिटी जरखेज़ी में ऑफ एरोडेड सोइल्स, जो ज़मीन की जरखेज़ी कम हो जाती है उसको फरसूदा मिट्टी कहते हैं। खादें फरसूदा मिट्टी की जरखेज़ी बढ़ाती हैं, बट ह्यूमंस कांट मेक टॉप सोइल, लेकिन इंसान ऊपर की जो मिट्टी की जरखेज़ लेयर है उसको पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए। इंडीड दर हकीकत फर्टिलाइजर्स खादें मेड फ्रॉम फाइनाइट फॉसल फ्यूल, खादें भी किससे बनती हैं? महदूद तवानाई के ज़राए से, ज़मीनी ज़राए से, आर प्रेजेंटली बींग यूज, अब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है टू कंपनसेट, तलाफी करने के लिए फॉर एरोडेड टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल फरसुदा मिट्टी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी तलाफी के लिए फर्टिलाइजर यूज़ हो रहे हैं, खादें इस्तेमाल की जा रही हैं, और खादें कहाँ से बनती हैं? फॉसल फ्यूल से। फॉसल फ्यूल क्या है? ज़मीनी ज़खायर क्या हैं? कम होते जा रहे हैं हर तरफ, कहीं ना कहीं तो ज़मीनी ज़खायर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब प्रोडक्टिव, एक पैदावारी एंड सस्टेंड और लगातार एग्रीकल्चर सिस्टम, एक पैदावारी और मुसलसल जो हमें खाना दे, डिपेंड्स, उसका इन्हिसार है ऑन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका इन्हिसार ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखें, हम अपनी ज़मीन को महफूज रखें, हम अपने यातायाती तनवु कायम रखें, हम अपने ओशंस को बचाएं, हमने अपनी झीलों को बचाएं, हम अपने दरियाओं को बचाएं, हम अपनी ज़ेर ज़मीन ज़रखेज़ी को बरकरार रखें, हम आबी वसाइल का कम इस्तेमाल करें, हम जो है अपने तौर पे भी गैस, डीजल, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, तो हो सकता है कि हम हेल्पफुल साबित हो जाए। स्ट्रेटजीज, इकदाम फॉर फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड, उन जो मुस्तकबिल में हम हिकमत अमलियाँ बनाएँ, इकदाम बनाएँ, मस्ट बी बेस्ड, उनको बेस बुनियाद होनी चाहिए ऑन कंजर्वेशन, हिफाजत की, एंड केयरफुल मैनेजमेंट और मोहतात इंतज़ाम की, ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स नीडी फॉर फूड प्रोडक्शन। अब खुराक की फ्राहमी के लिए हमें ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, एनर्जी के ज़खायर भी चाहिए, तो इनका मुनासब इस्तेमाल होना चाहिए, इनका मुनासब मोहतात वो वर्ड यूज़ कर रहा है, केयरफुल प्रोडक्शन, केयरफुल मैनेजमेंट, मोहतात इस्तेमाल करना चाहिए। येट ताहम नन ऑफ दीज मयर्स, इनमें से कोई भी तरीका विल बी सफिशेंट, मुनासब ना होगा
टू इंश्योर, यकीनी करने के लिए एडिक्वेट ह्यूमन सप्लाईज फॉर फ्यूचर जनरेशन। लेकिन कहता है कि इनमें से कोई भी ज़रिया हम अपना लें, कोई भी तरीका हम अपना लें, वो फ्यूचर जनरेशन आने वाली नस्लों के लिए खुराक की फरहमी के लिए मददगार साबित नहीं होगा। कब तक? अनलेस, जब तक द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जब तक इंसानी आबादी में इजाफा इज साइमल्टेनियसली उसके साथ कटेल, ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। कहते जब तक इंसानी आबादी में इजाफे को कम नहीं किया जा सकता, कोई भी स्ट्रेटजी अपना ले, कोई भी कदम अपना ले, कोई भी इकदाम कर ले, इंसानी वसाइल को, इंसानी आबादी को कम नहीं करेंगे तो ये वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सेवरल स्टडीज़ हैव कन्फर्म्ड, सेवरल स्टडीज़, कई मतालियों ने, कई स्टडीज़ ने साबित किया है डेट टू मेंटेन अ रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर हमने मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है, लोगों को खुराक भी देनी है, वसाइल भी दे रहे हैं, द ऑप्टिमम वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो फिर दुनिया की आबादी कितनी होनी चाहिए? शुड बी लेस देन 2 बिलियन। तो दुनिया की आबादी 2 बिलियन होनी चाहिए, 20 करोड़। आज कितनी है? 8 बिलियन, 80 करोड़, 60 करोड़ आबादी ज़्यादा है। 20 करोड़ होनी चाहिए, 60 करोड़ आबादी है, तो कैसे लोगों को वसाइल पूरे आएंगे? तो कहते हैं दुनिया की जो जितनी भी सेवरल स्टडीज़ हैव कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किया, साबित किया है टू द ऑप्टिमम वर्ल्ड पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 2 बिलियन, 2 मिलियन से कम होनी चाहिए, 2 बिलियन से। देयरफॉर फ्रॉम नाउ, अब से, अनटिल एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ अचीव्ड, इस वक्त से जब तक हम ऑप्टिमम या मुनासब तरीन आबादी का हसूल नहीं हासिल कर देते, जब तक दुनिया की आबादी 2 बिलियन नहीं हो जाती, स्ट्रेटजीज़ फॉर कंजर्वेशन, हिकमत अमलियाँ फॉर कंजर्वेशन, तहफ़ुज़ के लिए आप लैंड, ज़मीन, वाटर, पानी, एनर्जी, तवानाई, बायोलॉजिकल रिसोर्स, हयातियाती वसाइल आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, उनका नाफज करना चाहिए इफेक्टिव। कहते जब तक दुनिया की आबादी मुनासब तरीन नहीं हो जाती, मसलन 2 बिलियन नहीं हो जाती, हमें इन वसाइल को मुनासब अंदाज से महफूज करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए। मेंटेनिंग अ साउंड, एक सेहतमंद एंड प्रोडक्टिव और पैदावारी इन्वायरमेंट, एक सेहतमंद और पैदावारी माहौल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एसेंशियल, वो ज़रूरी है। तो आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। फॉसल फ्यूल, ज़मीन में दबे हुए ईंधन के ज़खायर, पेट्रोल, गैस, डीजल, इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा फार्मिंग, खेती बाड़ी, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अदवियात, फर्टिलाइजर्स, खादें एक्सेलरेट बढ़ती हैं, एक्सकलेट्स बढ़ती हैं, रॉ मटेरियल, खाम माल, सस्टेन, मुसलसल एरोडेड, फरसूदा, कटेल रोका जाए साइमल्टेनियसली, इसके साथ कंजर्वेशन, तहफ़ुज़, इम्प्लीमेंटिंग, नाफज करना, प्रोडक्टिव, पैदावारी, असेंशियल, लाजमी, इंश्योर, यकीनी। तो स्टूडेंट राइटर ने बड़े ही अच्छे तरीके से सबसे पहले हमें दुनिया की आबादी दिखाई, दुनिया की आबादी चार्ट के ज़रिए दिखाई कि कैसे दुनिया की आबादी जो है वो 1 करोड़ से 80 करोड़ तक हो गई, 80 करोड़ तक हुई, ज़मीन उतनी ही रही, वसाइल उतने ही रहे, लैंड के हो गए, ज़मीन के हो गए, पानी के हो गए, फॉसिल एनर्जी होगी, ज़मीन के ज़खायर उतने ही रहे, आबादी हमारी बढ़ती चली गई, हर दिन 2.5 लाख लोगों का इजाफा होता है। उसके बाद ज़मीन, खुराक हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? ज़मीन से, ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ी उसकी कम हो रही है। फिर हम पानी सबसे ज़्यादा जरूर एग्रीकल्चर में हो रहा है, हम हर साल दरियाओं से, नदियों से, झीलों से, ज़ेरे ज़मीन, एक्वाफर से, ज़ेरे ज़मीन से पानी निकालते हैं। फॉसल एनर्जी यूज़ होती है खादे बनाने में, कीड़े मार अदवियात के लिए और मशीन्स में, और जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है सब में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आखिर में वो कहते हैं जब तक पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होती, और आइडियल पॉपुलेशन दुनिया की 2 बिलियन होनी चाहिए, यानी 2 बिलियन से मुराद 20 करोड़, और आज हमारी है 80 करोड़, 60 करोड़ आबादी ज़्यादा है, तो उस वक्त हमें इन ज़राए को बड़े मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। इतना इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ डू यू फाइंड दिस टॉपिक, और मैंने इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो आप तक पहुँचने में बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट के बाद पहुँचती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।